हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और देखिए कितने प्यारे फ्लावर आ रहे हैं बुगनविला में। जितने भी पौधे लगे हुए हैं गार्डन में, सब में फ्लावरिंग इस समय हो रही है, सब में फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए, ये कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं इसमें। और यहाँ देखिए, अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो ये दो दिन तक टिका हुआ है पौधे पे ये फूल, और नहीं तो पहले अभी एक मंथ पहले जब इसमें फ्लावर आ रहे थे तो एक ही दिन में ये ख़राब हो जा रहे थे। गिरते तो नहीं थे लेकिन बंद हो जाते थे। और देखिए ये कल इसमें फूल आया है और अभी तक बना हुआ है, और कल पूरा दिन ये वाइट ही था, अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गार्डन में किए गए जुगाड़ दिखाऊंगी, जिससे गार्डन भी अच्छा लगने लगा है और यूज़लेस चीज़ों का यूज़ भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया हमारे गार्डन में। तो सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी। ये देखिए, मेरे पास ये लोहे की दो रॉड रखी थी और ऐसे ही पड़ा था, इसका कुछ यूज़ नहीं था। जब काम हो रहा था तब ये लिया गया था तो उसमें से ये बच गया था। तो मैंने देखिए इसको गार्डन में कुछ इस तरह से अपने यूज़ में ले लिया है। दोनों साइड में इस तरह से स्टैंड लगा के इसी स्टैंड के ऊपर मैंने इसको रखा है, और बीच में सपोर्ट देने के लिए कि जिसमें मैं गमले रख सकूं, इस तरीके का देखिए बांस का बनवा लिया है मैंने बेड की तरह। और इसमें फिर इस तरह का है, ये इसमें फंसा दिया है, और बीच में ये इतना एरिया खाली रखा है क्योंकि यहाँ बड़े पौधे मैं लगाई हूँ, देखिए डहलिया के। जब इनकी ग्रोथ ठीक ठाक हो जाएगी, ये अच्छी हाइट ले लेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ डहलिया और हॉलीहॉक के पौधे लगे हुए हैं, तो ये पौधे लंबे होते हैं तो ये पूरा कवर कर लेगा। और फिर दूसरी साइड में भी मैंने इस तरह से बांस का बनवा के इस पर भी रख दिया है, तो पूरा ये देखिए कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और इसकी वजह से गार्डन सुंदर भी दिखने लगा है, भरा भरा भी, और हमारे गार्डन में साफ़ सफाई भी हो जाती है अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, छत पे सीलन नहीं आता है। कैलेंड्यूला का प्लांट लगाया है और ऊपर ये टर्टल वाइन है, और इसमें भी दो मैंने सीड से उगे डैंथस के पौधे लगा दिए हैं, तो ये पूरा कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेकार पड़ी होती हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं और उससे हमारा गार्डन सुंदर भी दिखने लगता है। अब ये बेड ही देखिए, गार्डन में पूरा गार्डन मेरा भरा भरा दिखता है इस बेड की वजह से। और मेरी छोटी बेटी अब लगातार शरारत कर रही है कि मम्मा तुम फ़ोन रखो। और ये देखो, हेलो बोलो चिकू, बोलो हेलो। चार ईंटें नीचे रखे हैं और छत पे डायरेक्ट ही इस टायर को रख दूंगी मैं ईंटों के ऊपर। और मेरे पास इस तरीके के दो टायर थे तो इसका यूज़ मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और ईंटें रखे हैं हम, तो हमारी छत पे सीलन भी नहीं आएगा अगर हम इसमें जब मिट्टी भरेंगे, तो इस तरीके से छत पे सीलन भी नहीं आएगी और पौधे भी हमारे लगकर तैयार हो जाएंगे इस तरह से। देखिए इसमें हम फिर ईंटों के ऊपर बोरियां लगा देंगे, और डबल टायर है ये, दोनों ऊपर नीचे रखा है मैंने, और यहाँ बोरियां बिछा के और पूरा ये हिस्सा कवर कर देंगे, दोनों का जो जॉइंट है ये, इसको कवर कर देंगे। जैसे इस तरीके से मैंने इसको कवर किया है और पूरा कवर कर देंगे हम यहाँ तक, तो यहाँ तक पूरा कवर करेंगे तो मिट्टी हमारी बाहर नहीं जाएगी, और जो ईंटें मैंने नीचे रखे हैं उससे हमारी छत में सीलन भी नहीं आएगा। ये देखिए, इसको पूरा मैंने बोरी से कवर कर दिया है और इसमें अब मैं मिट्टी भर दूंगी। मैंने देसी डहलिया लगा दिया है और इसके चारों तरफ एनुअल क्रिसेंथमम के पौधे लगा दिए हैं जो सीड से ही उगे थे, तो ये पूरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ देखिए, एक मेरे पास ये डिस वाली छतरी खाली पड़ी थी, इधर उधर रखी थी, और फिर मैंने इसको गार्डन में ही अपने यूज़ में देखिए किस तरह से लिया है। 5-6 पॉट्स मेरे इधर उधर पड़े हुए थे तो उनको मैंने इसी के ऊपर रखा है, और इसको देखिए इस तरह का स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर रखा है, और यहाँ भी ये अच्छा लगने लगा है और इस पे गमले भी आ गए हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये छोटे छोटे जुगाड़
गार्डन में अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।